पाँच साल होने को हैं, लेकिन आज तक फ्लाईओवर का कार्य जो है वो नहीं पूरा हो पाया। और जो ठेकेदार हैं वो एक माकूल यानी सही जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे। आखिर इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कब शुरू होगा? और फ्लाईओवर का कार्य है पिलर का, वो चल रहा है पूरी तरीके से। ये जो फ्लाईओवर है वो अब हैवी वाहनों के लिए नहीं है, जिस प्रकार से उन्होंने अधिकारियों से वार्ता करने के बाद कहा। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज चैनल से। आज हम बात कर रहे हैं काशीपुर बाजपुर रेलवे फ्लाईओवर की। पाँच साल होने को हैं, लेकिन आज तक फ्लाईओवर का कार्य जो है वो नहीं पूरा हो पाया, जिसके चलते पूर्व विधायक हरबल सिंह चीमा भी लगातार अपने बयानों में कहते रहे हैं कि अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते और जो ठेकेदार हैं वो एक माकूल यानी सही जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे कि आखिर इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कब शुरू होगा। हालांकि अब रेलवे ने फ्लाईओवर का काम शुरू कर दिया है। आप ठीक देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय जो फ्लाईओवर का कार्य है वो चल रहा है और 105 दिनों के लिए जो है वो पूरी तरीके से आवाजाही बंद कर दी गई है। मैं अपने सहयोगी नितिन बोरा जी से कहूँगा कि कृपया दिखाएं कि जो है यहाँ पर रेलवे का जो फ्लाईओवर का कार्य है पिलर का वो चल रहा है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों आखिरकार फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में इतनी देरी क्यों हुई? मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में भी फ्लाईओवर के बनाने का जो मुद्दा है वो काफ़ी जोर शोर से चला था कि इसको जल्द पूरा करवाएंगे। लेकिन एक यहाँ पर एक सवाल एक ये भी खड़ा हो गया है कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान जो ड्राइंग बनाई गई थी वो हैवी वाहनों को देखते हुए बनाई गई थी, चूँकि आसपास का जो खनन क्षेत्र है। लेकिन अब जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि जो चीमा जी ने भी कहा कि जो फ्लाईओवर है वो अब हैवी वाहनों के लिए नहीं है, जिस प्रकार से उन्होंने अधिकारियों से वार्ता करने के बाद कहा, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि क्यों जो फ्लाईओवर का कार्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा। आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं, इस समय जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि जाम को देखते हुए जो डाइवर्ट रूट कर दिया गया है, सीपीयू पुलिस द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों जाम में ना फंसे, तो जगह जगह पुलिस खड़ी की गई है, बैरिकेटिंग भी कर दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि लोग पैदल ही निकल रहे हैं और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि कृपया दिखाएं कि लोग जो हैं पैदल चल रहे हैं। लेकिन सवाल बार बार एक बार फिर वहीं खड़ा हो जाता है कि क्यों आखिर फ्लाईओवर का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब चाहे हम रामनगर फ्लाईओवर की अगर बात करें, वो भी अभी अधर में लटका हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन सवाल फिर वहीं लौट फिर कर आ जाता है कि क्यों इतनी देरी फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में हो रही है, क्यों आखिर ऐसी वजह है। सिद्धार्थ शर्मा सुराही लाल निश्चल काशीपुर। तो ये फ्लाईओवर जो NH-74 से बागपुर की तरफ फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें रेलवे स्टेशन से रामनगर साइड को फ्लाईओवर का हिस्सा चालू हो गया है और बाजपुर साइड को अभी नहीं हो गया। इस फ्लाईओवर को बनते हुए 5 साल होने को, यहाँ का जो ठेकेदार है उसको ठेकेदार कह के अपना मुंह खराब करने वाली बात। इसमें काम भी बीच बीच में हम भी इसको रोकते रहे हैं कि तुम्हारा काम जो है वो अब टू द मार्क नहीं है, लेकिन ये काम को धकेले जाने जा रहे हैं। कभी कहते हैं महीने का नाम तो ले लेते हैं कि साहब ये जून में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो जून कौन सी सन वाला होगा ये नहीं बताते। हमें तो इस बात की शंका भी है कि कहीं ये पुल बन जाने के बाद इसके ऊपर जब ट्रैफिक चलेगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है काशीपुर ये खनन का क्षेत्र है और खनन में ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती हैं। इस बात की जानकारी जो नक्शा बन रहा था जिस समय, उस समय जितने भी इसके अधिकारी थे उनको दे दी गई कि ये खनन एरिया है, इसकी ड्राइंग जो है वो इस तरह बनाई जाए जिससे हैवी लोडेड ट्रक इसके ऊपर निकल सके। आज ये कहते हैं कि साहब हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके ऊपर हैवी लोडेड ट्रक नहीं चलेंगे। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इतना पैसा, करोड़ों रुपया जो हमने केंद्र सरकार का यहाँ पर लगवा दिया, उसका क्या लाभ हुआ? जनता तो मारेगी इससे। अब हम इसकी कंप्लेंट जो है वो तो केंद्र सरकार में करेंगे जिससे इसकी जांच हो। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।